रुद्राक्ष के बारे अज गल करांगे, लेकिन पहला एक चीज जरूर कहांगे कि रुद्राक्ष एक बहुत वड्डी शक्ति है, बहुत वड्डी ताकत है। लोकी लखां रुपए उपायां दे उत्ते, नगां दे उत्ते ते फालतू खर्चन दे उत्ते खर्च दिंदे आ, फजूल खर्चा ते, लेकिन एक 350 दा रुद्राक्ष पा के पावर नहीं हासिल कर पाते। 350 तो बेसिक स्टार्ट हो जाता, सिद्ध किया हरिशदान। रुद्राक्ष की पावर हैगी है, की ताकत हैगी है, अज इसे बारे थानू असीं दसन जावांगे। बड़े ध्यान नाल सुनियो क्योंकि ये चीज़ां थोड़े लिए बहुत ज़्यादा काम दियां ने। एक मुखी रुद्राक्ष जिहड़ा हैगा वह इंसान की नॉलेज के वाधा करता है, तो इंसान जिहड़ा है सारिया सिद्धियां नूं प्राप्त करन वाला बन जाता है। सो इहनूं धारण करने नाल इंसान नूं कहिंदे कि दैवी शक्तियां जिहड़ियां उहदी किरपा जरूर मिलती है। दो मुखी रुद्राक्ष इहनूं धारण करने नाल इंसान के सारे तरह के रोग दूर होंदे आ। कहिंदे कि यह वशीकरण दे भी काम आता है, जिहड़े लोग चाहते हैं कि दूजे लोग उन्होंने वस च रहन, उन्होंने देख के अट्रैक्ट होन, तो दो मुखी रुद्राक्ष जिहड़ा इसत्री एंड पुरुष अर्ध नारीश्वर का प्रतीक मनिया जाता है, सो उन्हें जरूर पावन। उन्हें पाने के नाल जिहड़ा है भूत बाधा नाश होंदी है, मिर्गी मूर्छा यह नाश होंदी है, कल्याणकारी हैगा। जिहड़ियां भी प्रैगनेंट लेडीज़ आ उन्होंने जरूर पाना चाहिए, सुख सौभाग्य कारक भी मनिया जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष सानूं स्टडीज दिंदा है, पढ़ाई दे विच अच्छे रिजल्ट दिंदा है जे मेहनत करिए। काम साढ़े सिद्ध होंदे है तो जीवन दे विच अनुकूल साधना की उपलब्धि के लिए सब तो ज़्यादा वधिया मनिया जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष की गल करते हैं, ब्रह्मनाथ जी का स्वरूप मनिया जाता है। इहदी पूजा इहनूं टच करन दे नाल ही सानूं कल्याण हुंदा महसूस हुंदा है, सो इहदे धारण करन दे नाल इंसान नूं आर्थिक लाभ मिलदा है, सदबुद्धि की प्राप्ति हुंदी है। पंज मुखी रुद्राक्ष इहनूं धारण करन दे नाल सारियां ही कामनावां की पूर्ति हुंदी है, सो इहनूं पाउण दे नाल इंसान की गरीबी दूर हुंदी है, सुख समृद्धि मिलती है, तो इंसान एक निरोगी जीवन प्राप्त करता है। छे मुखी रुद्राक्ष इहनूं धारण करन दे नाल इंसान के सारे ही पापा का नाश हुंदा है, तो उहदे विच ज्ञान का संचार हुंदा है। सो इहनूं विधि अनुसार जदों एक स्टूडेंट धारण करता है या कोई भी बंदा जिन्हें एग्जाम्स देने हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स, उहदे लई बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुंदा है। सतमुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष सिद्धि ते संसारिक वैभव दा दाता मनिया जाता है, सो इहनूं धारण करन वाले साधक जिहड़े उह जरूर पाउण। जिहड़े साधक दा मतलब जिहड़े कोई भी साधना करदे आ उहनां लई यह रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा वधिया हो सकता है। सो रुद्राक्ष जिदा पहला दस्या बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुंदा, जिन्ने तुसीं पैसे खर्चदे आ उहनां नालों तो सस्ता ही है, लेकिन जिहड़ा भी बंदा आ रुद्राक्ष पाउंदा ड्रिंक नॉनवेज इन्हां चीज़ां तों उहनूं परे रहना पएगा नशियां तों, तां ही रुद्राक्ष फायदा दिंदा है। तीजी चीज़, बंदा मेहनती होवे, ईमानदार होवे, मेहनत जरूर करे, ना सोचो कि एक मुखी रुद्राक्ष पा लो ते रातों रात 2 करोड़ की लॉटरी निकल आएगी, उदों बाद अगले दिन तुसीं BMW च घूमदे होवोगे, नॉट पॉसीबल। सो रुद्राक्ष की महत्ता असीं तुहानूं सारी दसी, भगवान भोले शंकर जी का आशीर्वाद मनिया जाता है, तो रुद्राक्ष नूं तुसीं काले या लाल धागे दे विच पाओ तो ज़्यादा वधिया हुंदा, बट अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप। सो उम्मीद है कि अज की जानकारी तुहानूं वधिया लगी होगी, वधिया लगी तो दोस्तों के नाल जरूर शेयर करियो, तो साडा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया, तो सेम नाम तो फेसबुक पेज उन्हें लाइक करना ना भुलियो। तो आने वाले टाइम के भी साडा यही वादा कि असी नवी तो नवी जानकारी थोड़े नाल जरूर शेयर करते रहांगे, तो लेटेस्ट अपडेट्स भी देंदे रहांगे। सानू मिलना तो स्क्रीन पर साढ़े नंबर से टाइम लैके आके नाम नोट करा के मिल सकते हो या टैलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, तो जे तुसी आना चाहो तो थोड़ा स्वागत है। जे थोड़े को पैसे हैं नहीं तो कोई गल नहीं, एक चिट्ठी लिखो सानू साढ़े एड्रैस पर भेज दो, असी इसे शो के जवाब देवे, नो चार्जिज फॉर दैट, टोटली फ्री। बट फोन करके ना कहो, बड़े लोग कहते हैं फोन करके हाँ जी आ दस्यो जी कुंडली, उन्होंने कहता अपॉइंटमेंट ले आओ, नहीं जी तुम इदा ही दस दो, क्यों इदा ही दस दिए, असी भी मेहनत करनी है, 15-20 मिनट लगन गए, जो तुम इदा ही पूछना तो 5 रुपए टिकट लाओ, फोटो स्टेट कराओ, 2 रुपए की सानू चिट्ठी पाओ, 7 रुपए सरकार को तो फायदा होना। चलो कोई गल नहीं, हम टाइम हो रहा तो आप जल्दी मिलते हैं, पर जाने तो पहले यही कहोंगे सब तो व्डा दर्जा माँ का, जो भी करो जाते हो माँ के चरण छुके जाओ, पिता जी का आशीर्वाद लैके जाओ, गुरु जी ने दसे रस्ते तो चलो, झूठ ना बोलो, गाला ना कड्डो, किसी का माड़ा ना करो, तकदीर बहुत वधिया हो जूगी। तिया नूं कुखर ना मारियो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो, नशा तो परहेज करियो, तो 10 बंद कट के नेक कमां च खर्च करते रहियो, थोड़ी सारी लाइफ बहुत ज़्यादा वधिया होगी।
कल फिर मिलांगे एक नवे विषय के नाल। नमस्कार।